मधुबनी जिला में बेनीपट्टी के महमदपुर नरसहार के पीड़ितों से मिलने के लिए जन अधिकार कल्याण पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का लंबा काफिला मधुबनी पहुंचा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नरसहार में मारे गए तीनों परिवार से मिले और घटना की विस्तृत जानकारी परिजनों से ली। तीन मृत बेटे के पिता एवं एकमात्र बचे संजय सिंह ने एवं अन्य ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से न्याय के साथ सरकारी मदद दिलवाने के नाम की मांग की। मौके पर ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता करते हुए न्याय का आश्वासन दिया एवं गोलीकांड में बचे मनोज सिंह, जिसका इलाज पटना के पारस अस्पताल में हो रहा है, जो जीवन और मौत से जूझ रहा है, उसका तत्काल ही दिल्ली के एम्स में इलाज करवाने की बात कही। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को अपना फोन नंबर देते हुए भविष्य में भी यथासंभव मदद करने का भरोसा दिया। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने नीतीश सरकार एवं भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो, जो इस घटना को जातीय उन्माद में रंगना चाहेगा उसके सामने हम खड़े होंगे। उन्होंने इस घटना में दोनों भाजपा विधायक की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कारण है कि अभी तक उन लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की कही। देखिए मधुबनी से किशोर कुमार की रिपोर्ट। हम धन्यवाद देंगे सुशील जी, गांव घर में कहावत है खुरपी के बिहार में हसुआ के बिहार में खुरपी बराती। सुशील जी का हमेशा कैरेक्टर, सुशील जी आइए, हमेशा 15 साल नरसंगा, 15 साल पहले जनसंघ नीतीश रामविलास लालू सब साथ था। मुंह मत खुलवाइए पप्पू यादव, सनलाइट सर्चलाइट लोडिक सेना भूमि सेना कुर्मी सेना रणवीर सेना मुंह मत खोलवाइए। हमने अपने आंखों से देखा है बहुत सारे हालात को। और इस बात को इस तरीके से दबाने का प्रयास किया गया, पहले ये होता था तो अभी हुआ तो क्या हुआ, मतलब पहले होता था अभी भी छू। इस परिवार का एक सदस्य जो कोमा में है मनोज सिंह, उसकी पूरी इलाज की जिम्मेदारी हम लोगों ने और भी कुछ साथियों ने लगातार वहां पे लगभग 12 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं पारस। और स्थिति यह है कि जमीन बेचने की नौबत आ गई, 1.25 किलोमीटर पर नीतीश कुमार बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, एक बार भी और आधा किलोमीटर पे विपक्ष का नेता एक बार भी कोई देखने नहीं गया। एक बार जबरदस्ती मैं डॉक्टर के खिलाफ आया हूं कल, 26 को मेरा ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन दिल्ली में, मुझे इजाजत नहीं है 2 महीने घर से निकलने की, पूरा गोल ब्लेडर निकाल दिए गए। और जब लगा कि बिहार जातीय रक्त रंजित न हो जाए कि तो मुझे लड़के आना पड़े। इसको भरपूर कोशिश की कुछ संगठन और कुछ नेताओं ने, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण, मुझे खुशी है यहां पर लगभग मधुबनी के, चाहे वो संतोष झा हो, चाहे प्रकाश झा हो, चाहे मनोज झा हो, सभी इलाके के जितने राजीव मिश्रा हो, जितने सब लोग इस घटना के खिलाफ खड़े हैं। पूरा बिहार इस घटना पर दुखी है,
लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और कुछ गैंग, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे रावण दल हो, चाहे कोई भी आदमी संगठन यहां आता है मदद करता है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से हमने आज करनी सेना के भी लोगों से मैंने बात की, मैंने कहा कि ये कैरेक्टर सही नहीं है। यदि आप उस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो जीभ काट लो, ये काट लो, वो काट लो, बीजेपी वाले को ऐसे कर दो, या ऐसे समय में सही श्रद्धांजलि नहीं होगी। घटना किसी क्रिमिनल गिरोह ने किया, तस्कर के गिरोह ने किया, उसको हम अपने आचरण से जाति का आचरण ना करें। या बहुत क्लियर है मेरे तरफ से, आपको चाहिए था, सरकार इसमें कंप्लीट कोलैप्स कर गई। यदि सुशील मोदी जी कहते हैं कि इसमें साजिशकर्ता भी हैं, तो हम सुशील मोदी जी से कहेंगे सरकार आपकी है, अविलंब सीबीआई इंक्वायरी कराइए। एक दूसरी बात और बहुत क्लियर, सरकार को चाहिए था सबसे पहले इस घटना में 15 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको और 35 लोग गिरफ्तार होने चाहिए। कर सका वो बिहार बचाने की दोनों बात ना करें, लात से, जूता से, चप्पल से अब लोकतंत्र को बचा लेगा कोई? क्या बिहार में कुछ नहीं बचा? कंप्लीट रूप से डर और खौफ, अपराधी, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफियाओं के भीतर से निकल चुका है। इकबाल इस सरकार का समाप्त हो चुका है, सरकार को एक मिनट भी रहने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। लगातार बिहार के घर का रक्त रंजित होना, न जाने कब किसकी उम्मीद और सपने समाप्त हो जाए, कब किसके पिता का बुढ़ापा छीना चला जाए, कब कौन सी बेटी और बहन की विधवा हो जाए, इस बिहार में सिर्फ भगवान भरोसे। इसीलिए हम दोनों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष से कहेंगे, यदि ईमानदार हैं तो इस केस में परिवार को नौकरी, अब एसपीडी ट्रायल के साथ फांसी, साजिशकर्ता को सामने लाना और फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए संकल्प लेना, यह मेरा डिमांड है। हम पुरजोर विरोध करेंगे किसी भी जातीय उन्माद को पैदा करने वालों के, चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, यदि वो जातीय रंग देगा इस घटना को, हम उसके सामने खड़े होंगे, उसको पहली गोली हम पर चलाना। यदि आप मदद करना चाहते हैं इस परिवार को, तो उसकी बच्ची के नाम से आप सब लोग मदद करें। और मैं सक्षम हूं, बिहार सक्षम है, अपनी पंचायत करना भी और अपनी लड़ाई लड़ना भी और अपराधियों को मिटाना भी। पूरी पार्टी इस परिवार के साथ है, हर बच्ची की शादी में जिसके पिता नहीं रहे, बाप के तरह खड़े होकर के जितनी उम्मीदें हो सकती है उससे ज्यादा खड़े होकर के एक पिता की तरह अपनी, जो बेटी, हमारी बेटी की जिम्मेदारी होगी वो मैं निभाऊं। बहुत क्लियर।
जिस गुस्से के कारण गलत तरीके से अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए या मर्डर या घटना घटित। बचनौल में जहां गिरफ्तारी हुई परवीन झा, वहां बउआ झा एक और फिर परवीन झा, पहले भी इन लोगों की हरकत, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत क्लियर हूं, इसमें ना तो कोई ब्राह्मण भूमिहार समाज इन्वॉल्व है, ना तो कोई राजपूत समाज पर साजिश के तहत हमला किया गया, इसमें मैं बहुत क्लियर हूं। एक अच्छे फैमिली को जो शैक्षणिक आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा था और एक परिवार जो कंप्लीट रूप से इस इलाके में आतंक का धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा था, वह अपने अवरोधक को हटाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जघन्य हत्या का अंजाम दिया। वह एक गैंग है, एक गिरोह है, एक क्रिमिनल गिरोह है, तस्कर गिरोह है, जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिस तरीके का चरित्र दिखा, इतनी बड़ी घटना घटित हुई, संजय झा जी मधुबनी में थे, नहीं आए, दोनों भाजपा के विधायक इतने बड़े घटना में, अपने ही घटना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उसमें नहीं आना, उसमें एक बार भी ट्वीट नहीं करना, आश्चर्य इस बात को लेकर के हमें है और समाज को है कि मधुबनी में उस दिन थे, सुशील मोदी जी बगल में आए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस में, जब पूछा गया कि आप वहां नहीं गए तो कहा गया भाजपा पार्टी की ओर से अभी वहां जाने की सहमति नहीं है। जबकि यह परिवार विनोद नारायण झा को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, कांग्रेसी रहते हुए, एक्स आर्मी मैन रहते हुए, इनका पूरा वोट विनोद नारायण झा को गया और इतनी बड़ी घटना घटित हुई, तब समाज बटना शुरू हुआ कि संजय झा यहां, उस विधानसभा के विधायक जी यहां, इस विधानसभा के भाजपा विधायक यहां, और लगभग जदयू के कोई भी और भाजपा के कोई भी विधायक जो ब्राह्मण समाज से था, उन्होंने इस घटना पर ना तो कोई टिप्पणी की, ना तो कोई आलोचना। इस कैरेक्टर से समाज आहत हुए, ना कि किसी जाति के कारण या घटना घटी। इसमें बहुत क्लियर है कि पॉलिटिशियन का चरित्र दुष्ट के तरह, धुरतई के तरह, दोगलई के तरह दिखा, इसीलिए यह घटना और भी ज्यादा परेशान किया बिहार को और देश को, ना कि किसी समाज के चलते। इसमें राजपूत समाज के भी क्रिमिनल हैं, ब्राह्मण जाति से भी क्रिमिनल हैं, और अन्य जातियों के लोग भी, दो चार जिनका नाम आ रहा है,
वो भी इसमें क्रिमिनल। जो लगातार सोशल मीडिया पर या अन्य पार्टी के लोग या अन्य लोग जिस तरीके से इस घटना को चार दिनों तक, होली के तीन दिनों तक दबाने का प्रयास किया, सत्ता के लोग अन्य लोग, और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से, चीजों के माध्यम से समाज में आई और घटना के ठीक 48 घंटे के बाद से मैं उठा रहा हूं। पहले हमारे लोकल सभी लोग यहां आए थे, उससे मैंने सारी जानकारी ली थी। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम आई, हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, इस इलाके के सारे लीडर थे। ये पहली घटना है इतना बड़ा मिथिला के इतिहास में। मुझको लगता है कि इस तरह का नरसंहार पहले मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। एक दूसरा, ये जातीय घटना नहीं, खुद आप उनके बाबूजी के मुंह से सुन चुके कि दूर दूर तक इसमें कोई जातीय रंग नहीं है। इस घटना को जातीय व्यवस्था से जोड़ने में नेताओं के का चरित्र और उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा ज्यादा परेशान किया है समाज को बिहार। ना तो यह किसी समाज की मीटिंग से किसी समाज पर हमला है, ना एक जाति विशेष के लोग हजार दो हजार के मोब में आके किसी जाति पर हमला किया। एक गैंग है, एक क्रिमिनल गैंग जो वर्चस्व की लड़ाई, संतोष क्रिमिनल था कि मैं भी एक दादा बनूं, मेरा वर्चस्व हो। नेपाल से सटा हुआ यह इलाका तस्करों का, जमीनों का, शराब का, मछली एक बहाना है, मछली के लिए इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। निश्चित रूप से पोखर बड़े तस्करों को रास्ता देता है जो उसके लिए परेशान का कारण। इतना बड़ा 8-8, 6-6, 7-7 गोली मारना, और ये आचरण भी कहता है, बगल में मंत्री रहने के बाद इतनी बड़ी घटना में अपने ही जिले में नहीं आना, ऐसे मंत्रियों को रिजाइन करना चाहिए या तो नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए। और फिर मैं यह नहीं कहूंगा कि एक ही जाति वर्ग के लोग फिर आना शुरू, स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी घटना घटित होगी और इसमें एक भी ट्वीट किसी सत्ताधारी दल के गठबंधन का नहीं आएगा तो स्वाभाविक है कोई ना कोई समाज खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह का आचरण बिहार में, हम इस घटना के बाद 9 दिन 10 दिनों के बाद पॉलिटिकल पार्टी और कुछ संगठन ने समाज को बांटने की भरपूर कोशिश की, उसकी भी इंक्वायरी और उस पर प्रतिबंध लगाने की।
उसकी भी जांच। हम नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, आंख में थोड़ी भी पानी है, अब इतना बेशर्म मत होइए कि मिथिला में इतनी बड़ी नरसंहार दिन के एक बजे चार्जशीट नहीं एक स्पेशल कोर्ट का गठन करिए आप, तीन महीने के अंदर डे टू डे आप उस स्पेशल कोर्ट के में इसकी गवाही कराकर उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हम फांसी की सजा चाहते हैं, स्पेशल कोर्ट का गठन चाहते हैं, तीन महीने के अंदर डे टू डे सजा चाहते हैं, साथ साथ पांच लोग जो डेथ किए हैं उनके परिवार को नौकरी, बीएसएफ के फैमिली को अविलंब नौकरी, और बच्ची के नाम से 50-50 लाख रुपया हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं। लेकिन हम आग्रह करेंगे सभी तरह के संगठन, सेना और विपक्ष की राजनीति करने वालों से कि इसको जाति में मत बांटिए, यह जाति का नहीं है, सभी जात के लोग। इतना बड़ा 8-8, 6-6, 7-7 गोली मारना, फिर तलवारों से काटना, बेरहमी के साथ पेट चीरना, यह बहुत बड़े गुस्से का कारण है। और यह गुस्सा दो कारणों से होता है, या तो औरत के कारणों से या तो अर्थ के कारणों से। और इस मर्डर में कंप्लीट रूप से तस्कर और अर्थ इन्वॉल्व, चाहे उस पोखर के द्वारा शराब की उस पानी में रखा जाता हो, या उस पोखर में अन्य चीजों को रख करके कोई बड़ा तस्करी किया जाता हो, या गैंग, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे उसमें उधर से भोला सिंह या अन्य लोग या प्रवीण झा या अन्य कोई भी लोग इसमें इन्वॉल्व, निश्चित तौर पे मैं बहुत क्लियर इसमें कह सकता हूं कि यह गुस्से का सबसे बड़ा कारण यह परिवार की प्रगति। एक आर्मी मैन परिवार जिसमें लगभग नौकरी पेशा और अपना व्यापार करने वाला एक परिवार, उसकी तरक्की और फिर लगातार इस परिवार के द्वारा के व्यवहार के कारण आम लोगों का पोखर दे देना, और परवीन झा के गलत हरकत और आचरण और संदिग्ध चरित्र के चलते समाज के अन्य लोगों ने पोखर देना उचित नहीं समझा, जिस गुस्से के कारण गलत तरीके से अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए यह मर्डर या घटना घटित। बचनौल में जहां गिरफ्तारी हुई परवीन झा, वहां बउआ झा एक, अब फिर परवीन झा, पहले भी इन लोगों की हरकत, मैं फिर कह रहा हूं, और यदि परिवार के लोगों ने इस बात की शंका की है कि विनोद नारायण झा जी या अन्य लोग इस घटना के क्रिमिनल को बचाने में प्रश्रय देते हैं और उनके एक भाई संजय को जेल भेजने में विनोद नारायण जी झा जी का प्रेशर था, तो थाना प्रभारी विनोद नारायण झा और परवीन झा के कॉल रिकॉर्ड का डिटेल सरकार को सामने लाना चाहिए पब्लिक डोमेन।
मैं मांग करता हूं 2.5 से 3 महीने के अंदर, मैं यह नहीं कहूंगा कि विनोद नारायण झा इस मर्डर करवाने में शामिल हैं, लेकिन यह कंप्लीट कहूंगा कि विनोद नारायण झा जी का चरित्र, उसका एक्ट, इतने बड़े घटना को अंजाम देने वाले गिरोह को संरक्षण प्राप्त है। बहुत क्लियर, इसमें कोई राजनीति का कहीं मतलब नहीं। उस गिरोह को पूर्व मंत्री का संरक्षण है। यदि आप प्रवीण झा और विनोद नारायण झा जी के टेलीफोनिक कॉल को निकालेंगे तो दोनों के रिश्ते घनिष्ठ मिलेंगे। यह घटना कंप्लीट क्रिमिनल ने किया है। मैं इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन उस गिरोह को संरक्षण पहले से इस इलाके के दोनों भाजपा विधायक का है। नीतीश बाबू कहां गई? सुशासन बंबई में एक मर्डर होती है, आप पीठ थपथपाते हैं पप्पू यादव की लड़ाई के बाद। यहां एक ही परिवार के एक्स आर्मी मैन, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट, एक आरपीएफ के बच्चे मनोज सिंह, लगातार एक ही परिवार के 3 बच्चों की हत्या। एक फैमिली में कोई बचा नहीं, मात्र 4 बेटी जिसमें एक की शादी, 3 कुमारी। इतनी बड़ी घटना को दबाने का सबसे ज्यादा प्रयास किया गया और उस भूमिका में मैं विनोद नारायण झा जी को देखता हूं और ये आचरण भी कहता है। बहुत बड़े आक्रोश के बाद होता है, सो उसके भीतर इतना बड़ा आक्रोश क्या? यही तो बात है सर, हम लोग के परिवार के प्रति उसको क्या आक्रोश था, कौन ऐसा रंग दिया, जो खर्जंतकारी को पकड़ने से ही मालूम होगा। बस जो खर्जंत रचा, जिस परिवार को सब सदस्य को मार के खत्म कर दो, तो हमारा दसवा, हमारा बेटा तो सर आप गए भी होंगे पारस में, मेरा ही लड़का है सर। अच्छा। मनोज कुमार सिंह है, टीचर था यहाँ, वो BA LLB है, वो भी जीवन मौत से खेल रहा है सर। आपके लोग तो मदद करने के लिए तैयार है, अगर मदद कीजिएगा तो बचेगा, नहीं तो भी चला जाएगा। वो मैटर नहीं है, हम इस प्रवीण झा के चरित्र के बारे में, बहुत बड़ा अपराधी। दूसरा चीज, विनोद नारायण झा से प्रवीण झा का क्या संबंध? आपको लगता है कि विनोद नारायण झा कहीं से इसमें इन्वॉल्व हो गया? हमें जैसे, हमको नहीं लगता। संरक्षण हो सकता है प्रवीण झा को देता हो, तो संरक्षण तो ही हो गया सर। अगर आप सर बहुत बड़े आदमी हैं, आप अगर किसी क्रिमिनल को बोल दिया ओके कर दिया, तुम उसको मार दो, हम देख लेंगे, तो उसका मन बढ़ेगा तो मार देगा। विनोद नारायण झा ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकता है। दूसरी जगह से आकर के यहाँ जीता है, कितना अरब खरब का जमीन खरीदा है बेहटा में। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या विनोद नारायण झा विनोद नारायण झा का क्या है? अब क्या है सर, जातीयता उन लोगों में क्या है? कुछ तो जरूर है सर, जातीयता जे ढंग के क्षेत्र सब बात तो हम सब पहले बुआ मीट लाए तो मीट लैले दूरा बो सब रहे हम सब बैसल सब हाँ ही करे हम वही जैसे जो बरंडा में आबके बैसल की तकर बाद में जे छी से फायरिंग का आवाज सुन ली गली फायर के तो भ गई होली के दिन हम एत से दौड़ली भैया के देख लिये हम अपना सा आगा आगा दो जब दोनों भाई हम सब जब पहुंच सबके मार के एकदम गिरे ने कटे जब हमारा दोनों भाई के जब पहुंचे देख लगे तब उसे भाग के शुरू के लगे सर बहुत दर्दनाक सब आदमी कहे चीन का हाथ जे चीज नाजायज के नहीं फंसेबे जायज के नाम देवे।